maybe kuch dani firuq ke saath qaumi kaamon mein aage rehne ke liye taun deta raha hu aur pichle 30 saal se aapne dekha hoga ye mera ek aham role raha hai jiski wajah se main siyasi partiyon ke radar par mujhe कई पैसे लगे हैं, कई बार गिरफ्तार हो चुका हूं, दर्जनों बार मुझे इंटरोगेशन में भेजा गया है, लेकिन अल्लाह ताला का फजल रहा कि मैं एक ही मौके पर कायम रहा। इसमें अल्लाह ताला का फजल मेरे शामिल हाल रहा कि मैंने मुसीबतों में भी मैं हक पर कहा। और मैं हर वक्त ये कहता हूं कि इंसान को दो ही रास्ते इख्तियार करने हैं, एक हक का रास्ता है, दूसरा गुमराही का रास्ता है, बातिल का रास्ता है। इंसान को इख्तियार है वो हक पर रहे या बातिल का दामन पकड़े, उसको इख्तियार दिया गया है और इसी के मुताबिक उसको आखिरत में सजा जजा मिलेगी। मैंने हमेशा हक का दामन थामा है और जिस पार्टी में रहा, जिस जगह रहा, वहां मैं हक का ही प्रचार किया है। और खासकर जो हमारे मुल्क में या हमारी रियासत में जुल्म बर्बरियत हो रही है, उस जुल्म बर्बरियत से लोगों को बचाने के लिए मैं हमेशा फ्रंट पर रहा हूं। ये नहीं सिर्फ मैं हक हूं वगैरह, मैं ये भी सोचता हूं कि अगर इंसानों पर जुल्म हो जाए, मुसलमान है, हिंदू हो वगैरह, इंसान तो सब बराबर है, लेकिन जुल्म किसी पर नहीं होना चाहिए। जैसे इंसान, हर इंसान चाहता है कि मैं भी सुकून से जिंदगी गुजारूं, बाकियों के लिए भी सोचना चाहिए वो भी सुकून बना से जिंदगी गुजारे। और अगर दूसरों पर जुल्म हो, खुद वो आराम से रहे और वो जालिम को कुछ न कहे, तो मतलब है ये भी उस जालिम के साथ है। ये जो हक गो है, हक का परिस्तार है, अगर वो जालिम को कुछ नहीं कहता है, मजलूम को कुछ नहीं कहता है, तो उसका मतलब है वो जालिम के साथ है कि इनफरादी तौर जो इंसान रहेगा उसको कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मैंने बड़ी सोच समझ के बाद ये तय कर लिया है कि मैं भी एक सियासी पार्टी के साथ शामिल हो जाऊं। आज मैं तभी आपके सामने हाजिर हुआ हूं और मेरे जैसा मैं हक परस्त हूं, हक नवाज हूं वगैरह, इस पार्टी के लिए भी मुझसे जितनी भी कोशिश होगी मैं उसको कामयाब करने के लिए और उसको ऊंचे दर्जा पर ले जाने के लिए पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप भी बराबर तभी तंजीम होती है जब आदमी सब मिलकर इकट्ठे एक लाइन पर काम करेंगे। और अगर तंजीम में कुछ मुखालिफ होंगे, कुछ होंगे, कुछ टांगे खींचने वाले होंगे, वो तंजीम कामयाब नहीं होती। तब ये तंजीमें एक होती है, सियासी पार्टी एक है वगैरह, जब हम एक दिल होंगे, एक तरीके से काम करेंगे, तो बड़ा सा बड़ा काम हम